जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी खरिका प्रथम वार्ड से पूनम मिश्रा, इन दिनों लगातार जनसंपर्क उनका जारी है, जनता से मिलना जुलना क्योंकि चुनाव में तो चलता है, लेकिन जिस प्रकार से पूनम मिश्रा का जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है, जिस प्रकार से पूनम मिश्रा की लोकप्रियता और जनसमर्थन नजर आ रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस तरह के व्यक्तित्व की जनता को जरूरत भी है, जो खरिका प्रथम वार्ड के लोगों की समस्याओं को समझता हो, यहाँ की अव्यवस्था को समझता हो, और ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत ही है। वैसे आप बताते चले कि राजन मिश्रा इस वार्ड से लगातार यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव लगाव बना रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बहुत पुराने समय से राजनीति में कदम रखा था और लगातार वो जनता के बीच उनके समस्याओं के निदान हेतु लगातार जमे रहे। इस बीच हमारी पूनम मिश्रा से कुछ बातचीत भी हुई, आइए देखते हैं। पूनम जी, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरी हैं और कौन कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर अभी आप जनता के बीच जा रही हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव में? मेन हमारा मुद्दा इस क्षेत्र का है कि यहाँ की सड़कें बहुत ही बेकार हैं और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं हर एक गलियों में जा रही हूँ, वहाँ पे देख रही हूँ कि कैसे इंसान इस जगह से निकलता होगा, कैसे वहाँ पे जाता होगा। मुझे खुद इतना दुख हो रहा है कि मतलब इस तरह से इतनी बदहाली वगैरह की आदमी परेशान है। अभी कल मेरी बंगाली टोला की एक महिला जिससे बात हुई, उन्होंने कहा मैं यहाँ 69 से रह रही हूँ और अभी तक बंगाली टोला का कोई भी विकास नहीं आया, चाहे किसी भी सरकार में। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं जरूर इस कार्य को करूंगी और मेरा बिल्कुल यही प्रयास रहेगा कि मैं बिल्कुल वहां की सड़कें बिल्कुल दुरुस्त करवाऊंगा, निकासी का वो है उसको मैं बिल्कुल बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगी। यदि आप पार्षद बनेंगी तो जो अब तक बदहाली रही, क्योंकि आपने भी कहा कि जो पुरानी सरकार रही है उनमें भी अव्यवस्था रही है जी, और जो नई सरकार आई है अभी तक तो वो उज्ज्वलता आ नहीं पाई जी, यानी आप ये विश्वास दिलाती हैं यदि आप पार्षद बनती हैं तो ये सारी जो मुद्दे आपने गिनाए ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी तक हो सकेगा कि मैं ये कोशिश करूंगी कि पूरी समस्या जितनी है उसका निवारण कर सकूं, क्योंकि जनता मुझ पर विश्वास करके अगर मुझे सबके बीच में लाएगी, मुझे सभासदी में जिताने का मौका देती है, तो मैं बिल्कुल जनता का विश्वास जिस तरह से जीतूंगी तो उसी हिसाब से उसके लिए काम भी करूंगी। खरिका प्रथम वार्ड के अंदर आता हुआ एक तालाब, जिस तालाब में एक नौजवान की मृत्यु हो गई, एक घर पर कहर टूट पड़ा, जिस पर पूनम मिश्रा से इस विषय पर हमने जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये एक लौता ऐसा वारिस था जो घर में कमाने का एकमात्र व्यक्ति था, उसके बाद ही इस घर में जो कहर टूटा उस पर पूनम मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। पूनम जी, जिसमें एक युवक उस तालाब में आपके ही वार्ड में आता है, वो उसमें गिरने की वजह से उस युवक की मौत हो गई, क्या लगता है आपको ऐसी घटना आगे नहीं होंगी, इसके लिए आप अगर पार्षद बनती हैं तो आप क्या करेंगे उस पर, और इस पर आपको क्या लगता है उनके साथ ऐसा होना चाहिए सहायता के रूप में, वो क्या विचार? देखिए, घटना बहुत ही दुखद थी और जो है कभी भी भगवान ना करे कि किसी के भी साथ इस तरह की घटनाएं हों, और वो जो तालाब है उस एरिया को मैं देख के आई हूँ, जिस दिन मेरा नामांकन था मैं उसी दिन गई थी, वो युवक वहाँ पे 4 दिन से डूबा हुआ था और उसकी बॉडी का कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। मैं गई उस महिला से मिली वहाँ पे और मुझे इतना दुख हुआ कि मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा ही बच्चा वो हो गया, तो मुझे बिल्कुल लगा कि और मैं करवाऊंगी इस चीज़ को कि वहाँ पे वो जो तालाब है उसको पूरा किनारे किनारे से उसको वो करके ताकि उसमें कोई जानवर ना जा सके, कोई बच्चा, हाँ कोई बाउंड्री खिंचवा के उसमें कोई बच्चा ना जा सके, ना कोई जानवर जा सके, मतलब किसी का भी कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरी जितनी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस तालाब की ओर विशेष ध्यान दूँ, और इस तरह के जितने भी वहाँ पे एरिया हैं या आगे भी आसपास भी जो भी हैं उनको मैं ऐसा कवर करवाना चाहती हूँ कि जो है मतलब वहाँ पे कोई ना घटी। संबंध में मंत्री जी से बात भी हुई है और अभी तो फिलहाल आचार संहिता चल रही है, तो इसलिए मैं कोई ऐसा वो नहीं जी, हाँ बिल्कुल पीड़ित को न्याय दिलाऊंगी और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं मंत्री जी के द्वारा उनको मदद दिलवाऊंगी, और मैंने इस समय आचार संहिता लगी हुई है तो इसलिए कुछ चीजों में कानून के नियमों में बंधे हुए हैं हम लोग, तो इसलिए नहीं कर सकते। जैसे ही आचार संहिता वो होगी मैं बिल्कुल पूरा पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको जितनी सहायता हो सकेगी उतनी सहायता ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश करूंगी।